राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे जय गोपाल जी का जन्म अविभाजित भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत स्थित डेरा इस्माइल खान नगर में 10 जुलाई 1923 को हुआ था। छात्र जीवन में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। जय गोपाल जी ने लाहौर से प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने हीवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ से प्रथम श्रेणी में स्वर्ण पदक के साथ अभियंता की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं पर उनकी मित्रता संघ के प्रचारक भावराव देवरस जी से हुई। भावराव देवरस जी की प्रेरणा से शिक्षा पूर्ण कर 1942 में वे संघ के प्रचारक बने। संघ कार्य में नगर जिला विभाग प्रचारक के नाते उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर संघ कार्य किया। उन्होंने 3 वर्ष तक काठमांडू में भी संघ कार्य किया। जय गोपाल जी 1973 में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बने। 1975 में देश में आपातकाल लागू होने पर उन्होंने भूमिगत रहकर कार्य किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक माधवराव देवड़े की गिरफ्तारी के बाद जय गोपाल जी पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर स्वयंसेवकों का उत्साह वर्धन करते रहे। जय गोपाल जी उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक भी रहे। 1994 में उन्हें विद्या भारती का संरक्षक बनाकर लखनऊ भेजा गया। यहाँ रहकर वे विद्या भारती के काम को गति देते रहे। 2 अगस्त 2005 को जय गोपाल जी का निधन हुआ।